दिखाया जाता है हमको कि डेवलपमेंट जो आसमान की तरफ पहुंच रहा है, वहीं शिक्षा का जो स्तर है वो जमीन में धंसता चला जा रहा है। हम लोग गरीब है, हमारे हालात है कि ये गवर्नमेंट से हमारा बच्चा 10वीं तक पढ़ लेवे। स्कूल में ये कह रहे कि भाई अगर आप अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ा दीजिए वहीं। मैं भी इतनी गर्मी है कि पूछो मत, पसीने टपकते हैं बुक पे लिखते वक्त, इसमें उल्टा सिस्टम है, हवा नीचे आना चाहिए तो ऊपर ही जाता। क्लास के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, आप लोग पूरे टूटे हुए गिर भी जा रहे हैं। एक बार तो एक लड़के के ऊपर कितने कितने बच गया था। बोर्ड सही नहीं है सर, आधी तरफ चलते आधी तरफ चौक नहीं चलते। यहाँ पे मिस नहीं है, सर नहीं है बराबर से पढ़ाने वाले। मराठी मीडियम का भी वही हाल है, उर्दू मीडियम का भी वही हाल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के एमएम वली पर, और आपको बता दें कि टीएमसी की स्कूल क्रमांक 13 जो उर्दू स्कूल है यहां पर हम आए हुए हैं। दरअसल यहां पर ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि जो स्कूल के बच्चे हैं 9वीं क्लास के, उनको जो है स्कूल से कहीं दूसरी जगह एडमिशन करने की ऐसी जानकारी सामने आ रही थी, जिसके संदर्भ में हम यहाँ पर पहुँचे थे। और टीचर से जब बात की तो उनका साफ तौर पर ऐसा कहना है कि इस स्कूल में जो है टीचरों की काफ़ी कमी है। आपको बता दें कि इस स्कूल में कुल 1200 बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं, जबकि 30 टीचर का यहां पर होना चाहिए था, लेकिन कुल यहां पर 14 जो है टीचर हैं जो बच्चों को यहां पर बहरहाल अभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन 9वीं कक्षा के जो 11 डिवीज़न है यहाँ पर, और तमाम पेरेंट्स की ये शिकायत सामने आ रही थी कि अब जुलाई का महीना चालू हो गया है, बच्चों को जो है बुक मिल गई, कॉपी मिल गया, उसके बाद अब स्कूल की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर टीचर्स की कमी है, वो अपने बच्चों को कहीं दूसरे जगह पर जो है एडमिशन करा दें। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे और इसके बाद यहाँ पर जो टीचर है उनसे बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि टीचर की कमी यहाँ पर कमी है, लेकिन किसी भी बच्चे को यहाँ से जो है निकाला नहीं गया है, उनसे कहा नहीं गया कि आप कहीं दूसरे जगह पर एडमिशन करा लो। हालांकि उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन उनका भी ये काम है कि अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि अभी जुलाई का महीना है, कहाँ पर एडमिशन होगा, और जब एक जगह पर एडमिशन हो गया तो इनको मनपा के शिक्षण विभाग में भी पत्र व्यवहार करके जो है स्कूल के संबंध में टीचरों की मांग करना चाहिए। लेकिन स्कूल की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि मनपा के शिक्षण विभाग में कई बार पत्र व्यवहार भी किया गया और टीचरों की मांग की गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर टीचरों की भारी कमी है। कुल 600 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और हालात जो है यहाँ के काफ़ी बद से बदतर है। बच्चों के बताया जा रहा है कि पीने की पानी की सुविधा नहीं है, जिस ब्लैक बोर्ड पर वो पढ़ते हैं उस पर जो है लिखने में जो है ठीक से दिखाई नहीं देता बच्चों को, पंखे वगैरह जो है वो भी ठीक से नहीं चलते, और दरवाजे जो क्लासरूम के दरवाजे हैं वो भी आप देखेंगे तो जगह जगह से टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो बोर्ड है जहाँ से लाइट पंखा वगैरह चालू करने के लिए जो बोर्ड लगाया गया है, उन बोर्डों की भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उसमें से वायर तक बाहर निकल चुका है, बटन जो है उसके हाथ लगाने पर हिल रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर बटन चालू करता है बंद करता है और इस दौरान वो बिजली के चपेट में आ जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा हादसा हुआ तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन जिस तरह से इस स्कूल की खस्ता हालत है, हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस ठाणे महानगर पालिका के जो उर्दू स्कूल क्रमांक 13 है इसकी हालात कैसा हो गया है। बच्चों से भी हमने बातचीत की है, पहले बच्चों ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स ने क्या कहा, और जो यहाँ के एक स्थानीय समाज सेवक हैं जुनेद अंसारी, उनके पास ही ये शिकायत आई थी इस तरह की कि बच्चों को यहाँ से हटाया जा रहा है, कहीं दूसरे जगह एडमिशन करने को कहा जा रहा है। लेकिन जो है उन्होंने भी क्या कुछ आकर यहाँ पर बातचीत की, उनसे भी बातचीत हमने की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि मुंब्रा में जिस तरह से विकास के नाम पर ढोल पीटा जा रहा है, मुंब्रा में किस तरह से विकास हो रहा है, लेकिन जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उस पर जो स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के नेता हैं, अपने आप को मुंब्रा शहर के जिम्मेदार बताते हैं, उनका इस पर नज़र नहीं है। जो लोग यहाँ के ठाणे महानगर पालिका में जाकर हाउस में बैठते थे, उन लोगों ने भी मुंब्रा शहर के स्कूलों के बारे में, बेहतरीन कामों के बारे में कभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि आवाज़ नहीं उठाई।
ये पत्रे का जो है आप लोगों का क्लासरूम है और यहाँ पर पंखे तो हरा लगे हैं, बारिश का महीना अभी, लेकिन गर्मी के महीने में किस तरह की तकलीफें यहाँ पर होती हैं? बहुत ही ज़्यादा नहीं, अभी तो बारिश का है, पर बारिश में भी इतनी गर्मी है कि पूछो मत, पसीने टपकते हैं बुक पे लिखते वक्त। मिस लोग भी बोलते हैं गर्मी बहुत है, पंखा इसमें उल्टा सिस्टम है, हवा नीचे आना चाहिए तो ऊपर ही जाता है। अच्छा इसका? हाँ। और गर्मी भी, जब गर्मी का मौसम हो तो फिर गर्मी का भी हम लोग तो नहीं, अभी ठंडी का ही बोल रहे, इतनी गर्मी तो आप समझो ना गर्मी में कितनी हालत होगी। ओके, अभी ये आप लोग लड़कियाँ इसमें तमाम पढ़ रही हैं, क्लास के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, आप लोग पूरे टूटे और गिर भी जा रहे हैं यहाँ से। एक बार तो एक लड़के के आंख पे गिर, मतलब उसके ऊपर गिर गया था, ऊपर कितने कितने बच गया था। अच्छा, तो गिर जाता। तो आप लोग बोलते नहीं टीचर, टीचर से बोलते नहीं बनाने के लिए? बोर्ड देखे ना, बोर्ड एकदम खोखला हो गया, चौक नहीं चलता। ये जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड जो लगा हुआ है, तो कैसे पढ़ाते हैं टीचर लोग, कैसे पढ़ाते हैं जब टूटे हैं? जो सब्जेक्ट में था वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई तो होती है, एक्सप्लेन करते हैं सबक का। गजल पढ़ाई जिसने एक्सप्लेन करे, जो लिखाना चाहते हैं तो वो बोर्ड सही नहीं है सर। अच्छा। आधी तरफ चलते आधी तरफ चौक नहीं चलते, ऐसा बोल क्या बता रहे हैं सर? अभी ये पंखा भी अच्छा नहीं चलता, इतना कचरा होता है, बहुत कचरा भी होता है, पीछे से कुछ नजर भी नहीं आता, बेंच भी बहुत टूटी हुई, लाइट भी नहीं, बेंच भी सही नहीं। हाँ सर, और लाइट भी थोड़ी देर तक लाइट भी नहीं है, एक ही बल्ब ये रखा हुआ है यहाँ पर, अंधेरा भी बहुत हो जाता है, मुझे लड़कों की तरफ आके बैठना पड़ता है, इससे परमिशन देनी। क्या बताएंगे, आपकी बच्ची यहाँ पे पढ़ती है, किस नाम क्या है, आप पहले नाम बताइए। मेरा नाम अफरोज बानो है और मेरी बच्ची अरिबा कुरैशी यहाँ 9वीं में पढ़ती है सर, पर दरअसल यहाँ पे मिस नहीं है, सर नहीं है बरोबर से पढ़ाने वाले, बच्चे यहाँ पे बहुत मतलब बाहर मतलब मस्ती, और उसके बाद में फिर यहाँ के हालात बहुत ख़राब, स्कूल में कोई रूल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, समझिए सर आप। तो हम लोग का तो सपना है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है पहली बात की, कि हम डोनेशन वाली स्कूलों में पढ़ाएँ, हम लोग गरीब है, हमारे हालात है कि ये गवर्नमेंट से हमारा बच्चा 10वीं तक पढ़ लेवे, पर यहाँ के हालात ऐसे है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। स्कूल के हालात भी अंदर आपने देखे, इसको क्लासेस के बेंच वगैरह, दो तीन बार मैंने कंप्लेंट करी सर इसको, बेंच वगैरह, स्कूल के दरवाजे वगैरह, जी सर सब मतलब कुछ मतलब सही है ही नहीं स्कूल के तरफ। आप टीचर से बात के, टीचर क्या बोल रहे हैं? टीचर सर यही बोले कि हम लोग करेंगे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बस यही बोल रहे हैं, पर अगर पढ़ाई नहीं होगी तो हमारे बच्चों कैसा पढ़ेगा, 9वीं है 10वीं है आगे चल के और भी है मामला, तो अगर हमारे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो हमारा बच्चा फिर कैसा आगे बढ़ेगा, तो ये इसी बारे में मैं बोली हूँ। मेरे जान पहचान के लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ते हैं, और ऐसे ही वो घर पर आए हुए थे तो ऐसी बात चल रही, तो पता चला कि उनकी मतलब उनकी अम्मी ने कहा कि स्कूल में ये कह रहे कि भाई अगर आप अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ा दीजिए वहीं, यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल टीचर्स की कमी है और पढ़ाई हो नहीं रही है। एक बच्चा उनकी शिकायत कर रहा था कि पढ़ाई होती नहीं है, वहाँ स्कूल जाता हूँ कुछ होता नहीं है, कि भाई 1200 तकरीबन बच्चे स्कूल के अंदर जो है अभी इस यहाँ से शिफ्ट होकर ट्रांसफ़र होकर स्कूल में आते हैं, तकरीबन 600 बच्चे यहाँ पर जो आते हैं, 1200 बच्चों की पढ़ाई, जिसमें से इनको जो रिक्वायरमेंट है वो 30 टीचर की कम से कम ये रिक्वायरमेंट है। मराठी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ, मराठी मीडियम का भी वही हाल है, उर्दू मीडियम का भी वही हाल है, और 45 टीचर्स अपॉइंट हुए जिसमें से उर्दू मीडियम को सिर्फ 11 जो है ना टीचर्स दिए गए, जबकि इनकी रिक्वायरमेंट ही मेरे हिसाब से 25 से 30 टीचर्स की कम से कम है, और इनको दिए गए 11 टीचर्स। अब 11 टीचर्स जहाँ रिक्वायरमेंट 30 टीचर की है, एक टीचर दो टीचर का काम तो नहीं कर सकता ना। कुछ अध्यापकों से आपने मुलाकात की, उन लोगों का ऐसा कहना है कि मनपा में भी इसकी शिकायत शिक्षण विभाग में कई बार की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही ओरेली जैसे मैंने हमारे एक टीचर जान पहचान के, मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग जो है टीचर्स की कमी की कंप्लेंट वगैरह क्यों नहीं करते, मतलब आप टीचर्स प्रोवाइड करवाइए ना, आप लोगों का काम टीचर्स लेकर आइए। तो उन्होंने कहा कि बात इस पर काम चल रहा है, हमने जो है ना ऊपर जो है ना आला अधिकारियों को जो है इसकी सूचना दे रखी है और उसको हम लोग फॉलोअप भी ले रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ सर कि जहाँ पर इस शहर के अंदर ऊँची ऊँची इमारतें जो आसमान की तरफ पहुँचती जा रही है, डेवलपमेंट जो आसमान की तरफ जो दिखाया जाता है हमको कि डेवलपमेंट जो आसमान की तरफ पहुँच रहा है, वहीं शिक्षा का जो स्तर है वो ज़मीन में धंसता चला जा रहा है।